हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एस एम लांबा आपका बायो वाले गुरुजी चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, भोजन के प्रमुख अवयव जो रीट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो अदर जनरल कंपटीशन है जैसे कि पटवार, पुलिस, SSC, रेलवे, इन एग्ज़ाम्स में भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि हम जो भोजन खाते हैं उसमें कौन कौन से अवयव होते हैं, चाहे वो उनको रासायनिक दृष्टि से भी पढ़ेंगे कि वो रासायनिक दृष्टि से क्या है, और उनको स्रोत के रूप में भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्रोत से हम भोजन प्राप्त करते हैं, और उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा, इस चैप्टर के लिए आप कह सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा डेटा को कलेक्ट किया है, क्योंकि इस किसी भी बुक में इस चैप्टर से संबंधित जो डेटा है एक जगह कलेक्ट नहीं किया हुआ है, या फिर किसी भी ऑनलाइन चैनल के अंदर भी ये जो डेटा है एक तरीके से पूरी तरीके से क्लब करके नहीं पढ़ाया गया है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये जानकारी आपको बहुत ही मदद करेगी। तो बेटा देखिए, भोजन के प्रमुख अवयव क्या होते हैं, तो पहले हम पढ़ेंगे कि हमारे भोजन के जो अवयव हैं जिनको हम भोज्य पदार्थ कहते हैं वो हमारे शरीर में क्या करते हैं, या फिर हमें वो हमारे लिए उपयोगी क्यों है। तो बेटा देखिए कि जो भोज्य पदार्थ हैं वो हमारे शरीर के अंदर शारीरिक वृद्धि, विकास और निर्माण व रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो हम यहाँ पर भोजन के अवयवों को परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसे भोज्य पदार्थ जो शरीर की वृद्धि, उसके विकास, उसके निर्माण और शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, उन पदार्थों को हम भोजन के अवयव कहते हैं। अब बेटा, ये जो अवयव हैं कौन कौन से हैं, तो वैसे तो आप कह सकते हैं ये आपके सामने लिखे हुए हैं और इनको आपने देखा भी होगा, इनका नाम भी सुना होगा, लेकिन जब हम भोजन खाते हैं तो जनरली इनके बारे में ध्यान नहीं देते हैं कि हम ये क्या खा रहे हैं क्या नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर जो ये जो अवयव हैं ये सारे के सारे हमारे भोजन के अंदर उपस्थित होने चाहिए, तभी हम उस भोजन को एक तरीके से संतुलित भोजन कहेंगे, संतुलित आहार कहेंगे। तो जो संतुलित आहार का जो कंसेप्ट है ये भोजन के अवयव पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे। तो बेटा देखिए, कौन कौन से अवयव हमारे भोजन में होते हैं, तो इनको रासायनिक दृष्टि से हम यहाँ नाम दे सकते हैं। पहला जो अवयव है वो है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट यानी इसमें कौन कौन से पदार्थ आते हैं जो हम भोजन के रूप में खाते हैं। अनाज, तो सभी अनाजों के आप नाम जानते हैं, हालांकि कार्बोहाइड्रेट को हम आगे पढ़ेंगे। ऐसे ही मीठे फल, ऐसे आप कह सकते हैं आलू, शहद, गन्ना, चुकंदर, शकरकंद आदि, वैसे बहुत से नाम हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो कार्बोहाइड्रेट वाले हैं और ये हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। दूसरा बेटा जो पदार्थ है वो है वसा, वसा का मतलब घी, तेल वगैरह। तो आप कह सकते हैं घी, मक्खन, तेल, ये सब हैं वसाएँ होती हैं और ये भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तीसरा है जो है प्रोटीन, तो प्रोटीन हमारे भोजन में किस रूप में हम ग्रहण करते हैं, तो बोले हम दूध, दही, ये तो लेते ही हैं, यानी जो शाकाहारी हैं वो दूध दही ग्रहण करते हैं, और अंडा, मांस, ये जो मांसाहारी लोग हैं इसको ग्रहण करते हैं। ऐसे आप कह सकते हैं दाल और सोयाबीन, ये भी प्रोटीन के काफ़ी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अभी जैसे मैंने बोला, कई बच्चों के मन में आ रहा होगा गुरु जी आपने अंडे को मांसाहारी कैसे बोल दिया, तो हम कह सकते हैं बेटा कि अंडे को ही नहीं, वैसे तो मैं दूध को भी मांसाहारी कह सकता हूँ, क्योंकि आप एक बार कल्पना कीजिए, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, कई बच्चे तो सुन के हो सकता है दूध पीना बंद कर दें, लेकिन एक बार थोड़ा सा इमेजिन कीजिए आप कि जो अंडा है वो किसी जंतु के शरीर से निकल के आता है, और इसीलिए शायद कई लोग इसको नहीं काम में लेते हैं। हालांकि जो मांस है वो तो किसी जंतु के मरने से यानी उसकी मौत होने से, उसको मारने के बाद में प्राप्त करते हैं, इसलिए जनरली लोग इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन अंडा जो है वो आप कह सकते हैं उसमें जीव नहीं होता है, यानी जीव उत्पन्न करने की शक्ति तो होती है लेकिन उसमें जीवित मतलब जंतु नहीं होता है, लेकिन फिर भी बोले जंतु के शरीर से आया इसलिए हम उसको ग्रहण नहीं करते। तो अब ऐसा ही अगर हम दूध और दही के बारे में अगर सोचें, तो पहले दूध के बारे में सोच लेते हैं, दूध बेटा कहाँ से आता है, जंतुओं से प्राप्त होता है। तो अब आप थोड़ी सी कल्पना करो कि जंतुओं से कहाँ से, बोले स्तन ग्रंथियों से। अब थोड़ा स्तन ग्रंथियों के अंदर का इमेजिनेशन करो कि स्तन ग्रंथियाँ क्या है, मांस का टुकड़ा ही तो है, यानी उन स्तन ग्रंथियों से यानी उस मांस के टुकड़े से एक तरीके से रस के रूप में बाहर निकल के आता है, यानी दूध कह सकते हैं एक मांस का ही रस है। तो अब ये सुनने के बाद में तो आपके दिमाग में ऐसा आया होगा कि साहब दूध आज से पीना बंद, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो कंसेप्ट ये होना चाहिए कि साहब अगर किसी प्राणी का अहित नहीं हो रहा है, यानी अहित का मतलब अगर किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, तो उस भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने में कतई बिल्कुल भी हमें मना नहीं करना चाहिए। तो बेटा देखो, प्रोटीन के बाद में जो दूसरा अवयव है वो है विटामिन। तो विटामिन जो है
ये हमारी सब्जियों में, फलों में, अंडे, दूध आदि पदार्थों के अंदर होता है, थोड़ा बहुत अनाजों में भी होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं विटामिन और खनिज लवण, खनिज लवण भी फल सब्जियों में होता है, और जो भी खाद्य लवण हैं जैसे नमक के रूप में हम खाते हैं, तो इस तरीके से खनिज लवण भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण अवयव है। और जल जिसको हम रोज़ाना पीते हैं, तो जल के अंदर आप कह सकते हैं कहीं खनिज लवण भी घुले हुए हैं। तो ये जो खनिज लवण हैं ये हमें रेगुलर जल के माध्यम से मिलते हैं, लेकिन आजकल एक शहरीकरण हो गया है, एक ट्रेंड आ गया है शहर में कि जो आरओ मशीन है उसका पानी पीते हैं, और उसमें भी आप कह सकते हैं आरओ के अंदर ऐसी सेटिंग करते हैं कि बिल्कुल उसके जो खनिज लवण है वो हटा दिए जाते हैं। और ये पाया गया है कि जनरली जो खनिज लवण हमें जल के माध्यम से मिलते थे उन खनिज लवणों की कमी हो जाती है, और जो बच्चे हैं स्पेशली वो कई रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। तो बेटा इसलिए आप कह सकते हैं कि आरओ का जो लगातार जो जल पीते हैं वो भी हमारे शरीर के लिए घातक है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं आरओ का जो पानी है वो इसलिए आवश्यक है कि दूषित जल नहीं जाना चाहिए, जैसे कोई संक्रमित जल जिसमें कोई जीवाणु है, रोग कारक है, वो नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए हमें आरओ का जल यूज़ करना है। ऐसे ही बेटा लास्ट अवयव है जो आप कह सकते हैं अलग से एक है, क्योंकि जो आज तक आपने 6 अवयव पढ़े होंगे ये 7वां अवयव अलग से पढ़ा होगा, रुक्षांश। रुक्षांश का मतलब है रफेज, अंग्रेजी में रफेज बोलते हैं, और या फिर इनको हम बोल सकते हैं रेशेदार पदार्थ। तो रेशेदार पदार्थ हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक हैं, तो यहीं पर हम बता देते हैं कि हम जो सलाद ग्रहण करते हैं वो क्यों खाते हैं। यानी जब जीवने जाते हैं तो आप कह सकते हैं शादी में सबसे पहले स्टॉल पे सलाद ही लगी रहती है, तो कई जो मीठा खाना पसंद करने वाले हैं वो तो सलाद की तरफ देखते भी नहीं है, क्योंकि फालतू में उनको खा लेंगे तो पहले से पेट भर जाएगा और मिठाई नहीं खा पाएंगे। लेकिन कुछ लोग अवेयर होते हैं जिनको अपने आप खाने पर कंट्रोल करना है, तो वो क्या सलाद को खाते हैं, तो सलाद को खाने से पहले थोड़ा उनका पेट भर जाएगा और फिर उसके बाद में वो मिठाई कम खा पाएंगे, यानी जो अन्य जो चीज़ें हैं जो ज़्यादा आप कह सकते हैं कैलोरी वाली हैं उनको कम खाते हैं। तो रेशेदार जो पदार्थ हैं, जो सलाद हैं, वो हम इसलिए खाते हैं कि ये रेशेदार हैं, ये हमारे शरीर में जैसे ही आहार नाल में जाएंगे ये पानी को एब्जॉर्ब करेंगे और एक तरीके से आप कह सकते हैं फूल जाएंगे, और उसकी वजह से हमें एक तो भूख कम लगेगी, साथ में जो रेशेदार चीज़ें हैं जब हमारी आहार नाल में यानी छोटी आँत से बड़ी आँत की तरफ पास होंगे जब, तो ये पचेंगे नहीं क्योंकि ये सेलुलोज से बने होते हैं रेसे, और ये जल को एक तरीके से अवशोषित करके रखेंगे, और उसकी वजह से आप कह सकते हैं आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी एक बहुत बड़ी समस्या से आप बच जाएंगे, और वो है बेटा कब्ज, जो आप कह सकते हैं ज़्यादातर लोगों के अंदर आजकल बहुत ही गंभीर समस्या, गंभीर रूप ले चुकी है, क्योंकि हम क्या करते हैं खाने में सलाद नहीं खाते हैं। तो बेटा ये जो रुक्षांश हैं, जो ये रेशेदार पदार्थ हैं, ये हमारी आहार नाल के अंदर कब्ज नहीं होने देते, यानी जो भोजन पास हो रहा है आहार नाल से उसको आहार नाल की दीवारों से चिपकने नहीं देते हैं, जिससे हमारी आहार नाल स्वस्थ रहती है और हम जो खाएंगे वो अच्छे से पचेगा, और साथ में कह सकते हैं आपके पेट के अंदर गैस भी नहीं होगी और कब्ज भी नहीं होगी। तो जैसे हम खीरा, मूली, गाजर, जो ककड़ी होती है, इनके रूप में हम सलाद को खाते हैं, तो बेटा ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये जानकारी इसलिए बताइए कि आप स्टूडेंट हैं और आप हर अपने घर के अंदर अपने गार्जियंस को, अपने जो अन्य जो सदस्य हैं परिवार के जिनको ऐसी अगर प्रॉब्लम है तो उनको बोलेंगे कि हमें डेली खीरा जो है या फिर जो है सलाद के रूप में कुछ भी चीज़ है वो खानी है। तो ठीक बेटा, अब चलते हैं आगे। ये जो अवयव हैं इनको हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं सबको, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई ज़्यादा विशेष इनके बारे में बताया नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो पदार्थ हैं इनका हमारे शरीर में क्या उपयोग है, यानी भोजन हम ग्रहण क्यों करते हैं, और भोजन में भी ये सारे अवयव क्यों ग्रहण करते हैं, केवल कार्बोहाइड्रेट ही ग्रहण क्यों नहीं करते, या फिर केवल वसा से काम क्यों नहीं चला लेते। तो बेटा देखिए, यहाँ पर इन सब की अलग अलग उपयोगिता है, अलग अलग इनके फायदे हैं शरीर में। तो आप कह सकते हैं इनकी उपयोगिता है, पहला तो है कि साहब ये ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो हमें शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए ऊर्जा चाहिए। अब चुस्त दुरुस्त क्यों होना है, क्योंकि हमें काम करने हैं, है ना, तो हमें कार्य करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए तो इन भोजन के पदार्थों से ही हमें ऊर्जा मिलेगी। ऐसे ही वृद्धि के लिए आवश्यक, यानी जैसे कह सकते हैं बच्चा है तो उसका शरीर कब बढ़ेगा, जब वो पोषक पदार्थ यानी भोजन के अंदर इन पदार्थों को ग्रहण करेगा तब उसके शरीर की वृद्धि होगी। ऐसे आप कह सकते हैं हमारे शरीर के अंदर जो जैविक क्रियाएँ चल रही हैं, जैविक क्रियाएँ मतलब कोशिकाओं के अंदर कुछ निर्माणकारी क्रियाएँ, कुछ विघटनकारी क्रियाएँ वो चल रही हैं, यानी निर्माण करने वाली और टूट फूट करने वाली जो क्रियाएं हैं उनको हम बोलते हैं उपापची क्रियाएं, तो उनका कंट्रोल भी ये कुछ पदार्थ करते हैं, जैसे जो खनिज लवण है, वो विटामिन है, वो इन उपापची क्रियाओं का नियमन करते हैं। ठीक ऐसे ही बेटा रोगों से सुरक्षा करना, यानी आप कह सकते हैं ये जो अवयव हैं इनमें कुछ अवयव ऐसे भी हैं जो रोगों से सुरक्षा करते हैं। अभी इसका उदाहरण हम ताज़ा बता सकते हैं, अभी जैसे कोविड चल रहा है यानी कोरोना काफ़ी फैल रहा है, तो आप कह सकते हैं इसके बचने के लिए डॉक्टर विशेष तौर पे विटामिन सी और जिंक और विटामिन डी इनको प्रिस्क्राइब कर रहा है,
तो बेटा विटामिन डी भी एक विटामिन है, विटामिन सी जो है एस्कोर्बिक अम्ल है वो भी एक विटामिन है, और जो जिंक है वो खनिज लवण है। ये हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो रोग होने से पहले ही हम इनको अगर ले लें तो आप कह सकते हैं हम बीमार ही नहीं होंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश के अंदर आर्थिक तंगी के कारण और नॉलेज के अभाव के कारण, यानी एक तो हमें शारीरिक शिक्षा का नॉलेज नहीं है, जो स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान नहीं है, और साथ में हम सारे भोज्य पदार्थों को खरीदने में सक्षम भी नहीं है, लगातार सेवन करने में सक्षम नहीं है। तो आर्थिक तंगी और ज्ञान के अभाव के कारण हम इनको ग्रहण नहीं करते हैं। तो इंडिया में क्या ट्रेंड है कि हम बीमार होने के बाद में विटामिन खा लेंगे दवाई के रूप में, बीमार होने के बाद में हजारों लाखों रुपए इलाज के लिए लगा देंगे, लेकिन हम बीमार होने से बचने के लिए इन वृक्षांशों को, इन खनिज लवणों को, इन विटामिनों को जो कि हमारे भोजन के अवयवों में ही हैं, जैसे अच्छी अच्छी सब्जियां, फल, दूध, ठीक है ना, इनके अंदर ही हैं, इनको ही हम ग्रहण नहीं करते हैं, जिसके कारण आप कह सकते हैं एक तरीके से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो बेटा अब हम चलेंगे आगे कि साहब ये जो भोजन के जो अवयव हैं, ये यहाँ पर तो हमने इनके नाम लिख दिए, लेकिन इनका एक वर्गीकरण भी है, आप इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। किस आधार पर बेटा? तो देखो, एक तो इनके कार्य के आधार पर इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है। देखो, अभी तक तो हमने जो पढ़ा उसमें तो सिर्फ उदाहरण हमने पढ़े हैं, उनके नाम पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर अभी इन्हीं सारे अवयवों को वर्गीकृत करेंगे इनके कार्य के आधार पर। तो बेटा देखो, कार्य के आधार पर ये जो भोजन के अवयव हैं वो यहाँ पर तीन प्रकार के हैं। पहला है ऊर्जादायक पदार्थ, यानी ऊर्जा प्रदान करने वाले, तो इसमें बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट व वसा, यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा, यानी जितने भी हमने अभी उदाहरण पढ़े थे वो सारे के सारे ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरा है बेटा निर्माणकारी या वृद्धि कारक, यानी ऐसे पदार्थ जो निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं, शरीर के अंदर प्रोटीन को बनाते हैं, शरीर के अंदर संरचनाओं को बनाते हैं, तो इससे शरीर में क्या होती है? वृद्धि। तो इनको वृद्धि कारक पदार्थ भी कह सकते हैं या निर्माणकारी पदार्थ भी कह सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर मैंने दो पदार्थ लिखे, एक तो लिखा है प्रोटीन और एक वसा। वसा को जनरली किसी ने भी आज जनरली आपने देखा होगा कि किसी बुक में या फिर किसी भी क्लास के अंदर आपने नहीं पढ़ा होगा कि वसा निर्माणकारी या वृद्धिकारक पदार्थ है, लेकिन ये सत्य है कि प्रोटीन जो है वो मुख्य निर्माणकारी पदार्थ है, लेकिन वसा भी निर्माणकारी पदार्थ है। इसका प्रूफ आपको दे सकते हैं कि आप जब कोशिका पढ़ेंगे तो कोशिका के अंदर, कोशिका झिल्ली जब पढ़ेंगे तो उसमें ये पढ़ेंगे कि कोशिका झिल्ली है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, यानी वसा और प्रोटीन की बनी होती है। तो बेटा कोशिकाएँ हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा है मात्रा में, यानी 10^14 इतनी संख्या में आप कह सकते हैं हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं। तो बोले इन कोशिकाओं की कोशिका झिल्लियों में क्या है? वसा भी है, तो इसलिए वसा भी निर्माणकारी पदार्थ है। इसलिए आप कह सकते हैं अभी जैसे उम्र दराज व्यक्ति हैं उनको तो डॉक्टर मना करता है कि आपको घी तेल नहीं खाना, लेकिन जो बच्चा है 20 साल तक का है उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में घी खाना चाहिए, स्पेशली देसी घी जो है वो खाना चाहिए ताकि शरीर का निर्माण अच्छे से होता है। लेकिन ऐसा ही नहीं केवल घी घी खाएं, प्रोटीन भी खाना चाहिए। हमारे देश में एक ट्रेंड है कि जब बच्चे का प्रसव होता है किसी लेडी के, तो उसको क्या करते हैं, जब वो ऐसे मानते हैं कि उसके शरीर में बहुत कमजोरी आ गई है इसलिए उसको अच्छी खुराक देनी है, हालांकि शिक्षा के अभाव में जब वो गर्भावस्था के दौरान उस स्त्री को ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, उसको ज़्यादा पोषक पदार्थ नहीं खिलाए जाते हैं। आजकल थोड़े से बदलाव आ गया है, लेकिन अभी गाँव के अंदर अभी भी ये है कि जब गर्भावस्था में कोई स्त्री है, यानी कोई स्त्री गर्भवती है, तो उसको क्या है, अच्छे से उसकी खुराक पे ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन ये ट्रेंड पहले से ज़रूर है कि जब उसने उसका प्रसव हो चुका है, यानी बच्चे को जन्म दे दिया, उसके बाद में उसको बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ खिलाते हैं, और उनमें क्या खिलाया जाता है, मेनली वसा खिलाई जाती है, केवल वसा, यानी घी में उसको हलवा बना के खिला रहे हैं, बहुत तरह तरह के नाना प्रकार के जो व्यंजन है वो बना बना के खिलाते हैं। तो क्या बेटा केवल वसा से उसके शरीर में सारी चीज़ों की पूर्ति हो जाएगी? नहीं होगी, यानी उसको प्रोटीन के पदार्थ भी खिलाने जरूरी हैं, उसको विटामिन, खनिज लवण इनके पदार्थ भी खिलाने जरूरी हैं। तो बेटा ये थोड़ा सा एक आपकी जनरल जानकारी के लिए है कि जब स्त्री गर्भवती होती है तो हमें सारे पदार्थ जो हैं वो खिलाने चाहिए, साथ में जब वो प्रसव हो जाता है उसके बाद में भी सभी पदार्थ है पर्याप्त मात्रा में खिलाने चाहिए। फिर बेटा देखो, कार्य के आधार पर ही तीसरा जो पदार्थ है वो है रक्षात्मक पदार्थ, यानी शरीर की रक्षा करने वाले। अब रक्षा ऐसे तो है नहीं कोई हमारे को लठ लेके मारने आ गया उससे रक्षा कर देंगे, हालांकि कह सकते हैं शरीर में पोषक पदार्थ खाए हुए, शरीर में जान है तो लठ लेके आया उससे भी भिड़ जाएंगे, लेकिन शरीर की रोगों से, छुपे हुए दुश्मनों से सुरक्षा कौन करेगा? जैसे कि अभी कोरोना वायरस से छुपा हुआ है,
छुपा हुआ दुश्मन है, किसी को पता नहीं चल रहा कहाँ से आएगा कैसे आएगा, है ना, कहाँ पर वो उपस्थित है किसी को कोई पता नहीं है। तो हम कह सकते हैं रोगों से रक्षा करने वाले पदार्थ। तो बेटा रोगों से रक्षा करने वाले पदार्थ हैं विटामिन, खनिज लवण और जल। बहुत सारे विटामिन हम आगे पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है ये। तो विटामिन है रोगों से सुरक्षा करते हैं, ऐसे ही खनिज लवण है वो भी रोगों से सुरक्षा करते हैं, और जल जो है, अब जल कह सकते हैं जल से ना तो ऊर्जा बनती है ना ही जल से शरीर का निर्माण होता है, लेकिन फिर भी शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक है। कैसे? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर आप कह सकते हैं कि 65% भाग या फिर आप कह सकते हैं अधिकांश भाग है वो जल ही है, ठीक है ना बेटा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं जो जल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जल की उपस्थिति से आप कह सकते हैं हमारी कोशिकाएं स्वस्थ रहती हैं। तो इस प्रकार से ये रक्षात्मक पदार्थ हैं। फिर बेटा इन्हीं भोज्य पदार्थों का हम दूसरे बेसिस पे, दूसरे आधार पर भी वर्गीकरण कर सकते हैं। कैसे? कि भोज्य पदार्थ की मात्रा के आधार पर। तो इसका उत्तर तो आप बहुत आसानी से दे देंगे, क्यों? क्योंकि हम हमारे भोजन के जो अवयव हैं इनमें से कुछ अवयवों को तो बहुत ही भरपूर मात्रा में खाते हैं, यानी हमारी जो थाली है जब उसमें खाने बैठते हैं तो मूल रूप से क्या होता है, बोले चपाती होती है ना, यानी ज़्यादा मात्रा में वही होती है। तो ऐसे ही हम कह सकते, और क्या होता है बोले जैसे छाछ, दूध, दही हम यूज में लेते हैं तो वो भी ज़्यादा मात्रा में, यानी हमें आँखों से दिखता है। ऐसे ही घी भी है ना, उस पर लगा हुआ, चपाती पे लगा हुआ दिखता है, या सब्जी जो है उसके अंदर तेल वगैरह यूज किया हुआ है तो वो भी दिखता है। तो हम कह सकते हैं इन्हीं भोज्य पदार्थों को मात्रा के आधार पर हम वर्गीकृत कैसे करेंगे? तो बोले जो पदार्थ हम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, जिनको हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं, उनको हम बोल देंगे दीर्घ मात्रिक या स्थूल पोषक पदार्थ। तो देखो मात्रा के आधार पे पहली कैटेगरी हो गई दीर्घ मात्रिक। दीर्घ मात्रिक मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, स्थूल पोषक का मतलब यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक पदार्थ वाला। तो हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और जल, इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में हम काम में लेते हैं। जल भी हम कह सकते हैं दिन में 4-5 लीटर पी सकते हैं। प्रोटीन भी हम दूध, दही, दाल के रूप में खाते हैं जो हमें दिखता है, काफ़ी मात्रा में लेते हैं। घी भी आप कह सकते हैं हम काफ़ी मात्रा में, यानी कहने का मतलब घी चपाती पे भी लगा के खाते हैं, सब्जी में जो तेल के रूप में भी खाते हैं वसा को। ऐसे कार्बोहाइड्रेट है ये तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, क्योंकि एक जो बच्चा है वो लगभग जैसे कह सकते हैं जो एक व्यक्ति है वो प्रतिदिन में आप कह सकते हैं 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाता है। अब आप कहेंगे गुरुजी आपने तो बहुत ज़्यादा बता दिया, इतना आटा तो हम खाते ही नहीं है। लेकिन बेटा पूरे दिन के अंदर हम केवल आटा ही नहीं, उसके अलावा भी चीनी के रूप में खाते हैं या फिर अन्य फल के रूप में खाते हैं। तो कुल मिला के ये सारे के सारे पदार्थ हैं वो ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, हमें आँखों से दिखते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो हमें आँखों से दिखते नहीं हैं, या फिर उनकी मात्रा को हम तोल करके या देख करके नहीं खाते हैं। तो बेटा उन पदार्थों को बोलेंगे लघु मात्रिक या सूक्ष्म पोषक पदार्थ। तो यहाँ पर देखो लघु मात्रा में यानी कम मात्रा में कौन कौन से होते हैं, बोले विटामिन। तो विटामिन को क्या देख के खाते हैं कि ये विटामिन उठाया और खा लिया, हालांकि कैप्सूल गोली के टेबलेट के रूप में खाना अलग बात है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं जो हम डेली जो भोजन खाते हैं उसमें हम विटामिन को ऐसे देख भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वो हमारे इन भोज्य पदार्थों के अंदर ही, यानी जो एक कार्बोहाइड्रेट वाले हैं, वसा वाले हैं, प्रोटीन वाले हैं, इन्हीं के अंदर उसकी थोड़ी सी मात्रा है, बहुत ही कम मात्रा है। और ऐसे ही खनिज लवण है वो भी बहुत कम मात्रा में, हालांकि जो नमक है वो ज़रूर हम इन थोड़ी मात्रा में खाते हैं, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि लघु मात्रिक जो है वो विटामिन और खनिज लवण है। तो ये जो वर्गीकरण बताने का हमारा जो आधार था ये था कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि ऊर्जादायक पदार्थ कौन सा है। तो ऑप्शन दे देंगे आपको, उसमें ऊर्जादायक पदार्थ चुनना है तो बोले किसी भी कार्बोहाइड्रेट का नाम या किसी वसा का नाम दे रखा हो, यानी कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाले पदार्थ और वसा प्रदान करने वाले पदार्थ का नाम दे रखा हो तो हम कह देंगे ये क्या है, ऊर्जादायक है। ऐसे निर्माणकारी की बात आएँ तो बोले प्रोटीन प्रदान करने वाले पदार्थ का नाम अगर ऑप्शन में दे रखा है तो बोल देंगे ये निर्माणकारी पदार्थ है। ऐसे रक्षात्मक पदार्थ की बात आए तो उसमें मोस्टली विटामिन ही ऑप्शन होगा, तो आप कह सकते हैं विटामिन जो है वो रक्षात्मक पदार्थ होता है। तो ये तीनों ही कैटेगरियाँ जो हैं तीन प्रश्न बनते हैं। ठीक ऐसे ही ये दोनों कैटेगरियाँ दीर्घ मात्रिक और लघु मात्रिक ये भी प्रश्न बनते हैं कि कौन सा पदार्थ दीर्घ मात्रिक है, कौन सा भोजन का अवयव दीर्घ मात्रिक है। तो हम इसको तो आसानी से बता सकते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को भी हम देख सकते हैं, वसा को भी देख के खाते हैं, प्रोटीन को भी देख के खाते हैं और जल को भी खाते हैं, काफ़ी मात्रा में लेते हैं। लेकिन विटामिन और खनिज लवण वो कह सकते हैं बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में हम ग्रहण करते हैं। तो बेटा ये वर्गीकरण के बाद में अब हम चलेंगे ये भोजन के जो अवयव हैं इनको वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट पे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स यानी यहां पर ये जो नाम है अंग्रेजी जैसा लग रहा है, यानी यहां पर ये नाम हिंदी के अंदर इनको विशेष तौर पे शर्कराएं बोलते हैं, लेकिन शर्करा आप कह सकते हैं एक बड़ी टर्म नहीं है, बड़ी टर्म है कार्बोहाइड्रेट।
क्योंकि जो शर्करा है वो सारे कार्बोहाइड्रेट हैं वो शर्करा नहीं होते, जो मीठे कार्बोहाइड्रेट होते हैं उन्हीं को हम शर्करा कहते हैं। तो हम आगे कार्बोहाइड्रेट्स में जब इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे तो उस समय हम इनके बारे में और डिटेल में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर जो मैंने जानकारी आपको लिख रखी है वो हर लाइन जो है वो अपने आप में एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो ये बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रीट वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट फॉर्म होते हैं, बच्चा उनका आंसर नहीं कर पाता, हालांकि वो पढ़ चुका होता है सब अवयवों के बारे में लेकिन फिर भी आंसर नहीं कर पाता है। तो अब देखो, कार्बोहाइड्रेट्स को मैंने कहा है शरीर का प्रमुख ईंधन। तो प्रश्न आता है निम्न में से शरीर का प्रमुख ईंधन कौन सा है, तो बोले नाम सबके पढ़े हैं लेकिन ये लाइन नहीं पढ़ी तो हमें उत्तर नहीं आता है। तो बोले शरीर का प्रमुख ईंधन इसलिए बोलते हैं कि ये शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा इसी से प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट्स से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो शरीर का प्रमुख ईंधन क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये शरीर का प्रमुख ईंधन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मुख्य ऊर्जादायक पदार्थ है। अब ये भी अपने आप में फेमस क्वेश्चन है कि साहब मुख्य ऊर्जादायक पदार्थ कौन सा होता है, तो बोले कार्बोहाइड्रेट। अभी आपके मन में ऐसे आ रहा होगा कि साहब वसा भी तो है, और आपने पहले के नॉलेज के आधार पर ये भी बताएंगे कि वसा के एक अणु से तो साहब 1 ग्राम से तो 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी ही ऊर्जा प्राप्त होती है। तो बोले मुख्य ऊर्जादायक पदार्थ तो वसा होना चाहिए, लेकिन बेटा यहाँ पर हम दोनों की मात्रा से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी, लेकिन ज़्यादा मात्रा में कौन सा ले रहे हैं, जो ज़्यादा मात्रा में हम ग्रहण कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट को, तो मुख्य ऊर्जादायक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट है, यानी ज़्यादा मात्रा में इसको ग्रहण करते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि मुख्य ऊर्जादायक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट ही होगा, क्योंकि ये शरीर में प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा का 65% भाग प्रदान करता है। तो यहाँ पर ये तीनों ही क्वेश्चन होंगे कि शरीर में प्रमुख जो ईंधन है, शरीर का प्रमुख ईंधन वो कौन है, ऐसे ही मुख्य ऊर्जादायक पदार्थ कौन सा है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट या जो अधिकांश ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, बोले कार्बोहाइड्रेट से, वो कितनी, बोले 65% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है। ऐसे ही एक नेक्स्ट फेमस क्वेश्चन है कि इस कार्बोहाइड्रेट को, जैसे मैंने बताया कि रोजाना एक व्यक्ति आधा किलो चून तो खाता ही है, राजस्थानी में आटे को चून बोलते हैं, तो बेटा यहाँ कह सकते हैं कि 400 से 500 ग्राम चून क्यों बोल रहा हूँ, आटा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है मूल रूप से हम गेहूँ से ही यानी आटे के रूप में ही हम खाते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे कि प्रतिदिन जो आवश्यक मात्रा है वो 400 से 500 ग्राम है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। ऐसे ही बेटा एक फेमस क्वेश्चन और है कि जो कार्बोहाइड्रेट हम खा रहे हैं वो हमारे शरीर में ऊर्जा तो प्रदान करते हैं, लेकिन क्या जो सारा का सारा खाया वो सारी ऊर्जा थोड़ी बन गई, बोले किसी कोई कम खाता है तो उसको तो ऊर्जा के रूप में काम में आ जाता है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा खा लेता है तो ऊर्जा भी बन जाती है और एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो जम जाती है। तो अब ये जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है यानी जो अतिरिक्त मात्रा है वो हमारे शरीर में, कार्बोहाइड्रेट की अतिरिक्त मात्रा हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाती है। ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट ही है एक तरीके से, और उसके रूप में संग्रहित हो जाती है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे ग्लाइकोजन और अन्य कार्बोहाइड्रेट के बारे में, लेकिन आपको आपके लिए फेमस क्वेश्चन है कि अतिरिक्त जो कार्बोहाइड्रेट है या फिर मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है किस रूप में संचित रहता है, तो बोले ग्लाइकोजन के रूप में। अब ये ग्लाइकोजन कहाँ बनता है, बोले यकृत बनाता है उसको, जो भी एक्स्ट्रा है कार्बोहाइड्रेट जो हमने खाया एक्स्ट्रा वो यकृत उसको ग्लाइकोजन में बदल देगा। ऐसे ही बोले मांसपेशियों के अंदर भी संग्रहित रहता है, तो मानव शरीर में यकृत व मांसपेशियों में जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। तो यहाँ से ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संग्रहित कार्बोहाइड्रेट यानी मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित रहता है, तो उत्तर क्या देंगे, ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन का निर्माण कहाँ होता है, बोले यकृत में। बोले ग्लाइकोजन कौन से अंगों में संग्रहित रहता है, तो बोले यकृत और मांसपेशियों में ये संग्रहित रहता है। तो इस प्रकार से ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर चलते हैं बेटा कि नेक्स्ट और भी इम्पोर्टेंट चीज कि भोजन के जो अवयव हैं उनमें से सबसे पहले जो ऊर्जा है या सबसे जल्दी से ऊर्जा किस अवयव से मिलेगी, तो हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट से ही हाथों हाथ या तुरंत ऊर्जा मिलती है। तो बोले त्वरित ऊर्जादायक पदार्थ क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, त्वरित ऊर्जादायक पदार्थ। इसका उदाहरण कैसे समझेंगे कि साहब सुबह नाश्ता करके आ गए और ऐसे क्लास में आ गए आप और पढ़ रहे हैं, दोपहर
12-1 बजे तक। अब आपको क्या है, भूख लगेगी एकदम से, क्योंकि वो जो सुबह खाया था वो तो काम में आ गया, तो अब भूख लगेगी। तो बोले जाते ही आप घर पे जाएंगे और मम्मी आपके सामने अगर घी ला के रख दे तो आप खाएंगे क्या, क्योंकि उससे आपकी भूख नहीं मिटने वाली। भूख का मतलब आपको ऊर्जा चाहिए, तो आप कह सकते हैं उससे भूख नहीं मिटने वाली। ऐसे ही बोले कि बेटा आप तो दही खा के काम चला लो या फिर दूध खा के काम चला लो, हालांकि दूध एक कंप्लीट फूड है, उसे थोड़ा काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी बोले हमारा मन कहेगा नहीं मम्मी मेरे को तो चावल या रोटी चाहिए, क्योंकि चावल या रोटी जो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो जैसे ही हम ग्रहण करेंगे वो थोड़ी देर में ही पच जाता है और उससे हमारे शरीर को हाथों हाथ ऊर्जा मिलती है, इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट को त्वरित ऊर्जादायक पदार्थ कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट को ऐसे ही जो खिलाड़ी हैं जब वो थक जाते हैं तो वो एनर्जी ड्रिंक के रूप में क्या पीते हैं, ग्लूकोन डी। ग्लूकोन डी में क्या होता है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज को पीते ही क्या होगा हाथों हाथ, बोले ग्लूकोज तो पचा पचाया कार्बोहाइड्रेट है, जैसे ही पियेंगे हमारे आमाशय से अवशोषित हो जाएगा और रक्त में जाएगा और हाथों हाथ ऊर्जा मिलने लग जाएगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं त्वरित ऊर्जादायक पदार्थ क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ऐसे ही बेटा, अब यहाँ पर एक और फेमस क्वेश्चन कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को कितनी ऊर्जा मिलती है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था वसा और कार्बोहाइड्रेट में तुलना भी की थी, तो हम बोलेंगे 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अभी बच्चा आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपने ये भी पढ़ा होगा 4.1 किलो कैलोरी या 4.18 किलो कैलोरी, ये ऐसे पढ़ा होगा। तो बेटा ये तो आप कह सकते हैं उस अणु के अंदर कार्बोहाइड्रेट के अणु से अणु में समाहित ऊर्जा है, अणु में समाहित ऊर्जा ये तो कितनी है 4.18 किलो कैलोरी, लेकिन हमारा शरीर है उस सारी ऊर्जा को उस अणु से प्राप्त नहीं कर पाता है, है ना। तो बोले कितना प्राप्त कर पाता है, बोले 4 किलो कैलोरी ही। तो बोले 1 ग्राम यानी आप कह सकते हैं उस 1 ग्राम के अंदर ऊर्जा तो इतनी है, उस 1 ग्राम में ऊर्जा तो इतनी है, लेकिन हमारा शरीर सिर्फ इतना ही प्राप्त कर पाता है, इसलिए ये आप कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल वैल्यू है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है हमारे शरीर को, बोले 4.4 किलो कैलोरी ही। और वैसे पूछे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा कितनी होती है, तो बोलेंगे 4.18 किलो कैलोरी। ठीक है ना बच्चा, तो ये इतनी ऊर्जा उसमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में होती है, लेकिन शरीर को 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, बोले 4 किलो कैलोरी। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, आपको यहाँ पर इसको याद रखना है मेनली। तो ये भी अपने आप में फेमस क्वेश्चन है। अब चलते हैं बेटा, ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसको हमने ऐसे तो देखा चपाती के रूप में, आलू के रूप में, चावल के रूप में, चीनी के रूप में, गुड़ के रूप में, शहद के रूप में, सबके रूप में हमने देखा है, लेकिन इसका थोड़ा सा रासायनिक विश्लेषण अगर करें यानी रासायनिक दृष्टि से कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, यानी ये 3 तत्व ही कार्बोहाइड्रेट में होते हैं। तो ये भी अपने आप में काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट में कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो बोले CHO। देखो नाम ही इसलिए बना हुआ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट्स मतलब जल, तो जल में कौन से अणु होते हैं, बोले कौन से तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों तत्व इसमें प्रत्येक कार्बोहाइड्रेट में होते हैं। अब लेकिन इनकी जो अनुपात है वो निश्चित रहता है, और वो कितना होता है, बोले कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 1:2:1 होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो मूलानुपाती सूत्र है यानी जो सूत्र है उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं CH2O और ब्रैकेट के बाहर में N। N का मतलब यहाँ पर कह सकते हैं अलग अलग कार्बोहाइड्रेट में इनकी कार्बन की संख्या अलग अलग हो सकती है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये आप कह सकते हैं मूलानुपाती सूत्र हो गया। और इस सूत्र में देखो 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, यानी अनुपात कितना है 1:2:1। अब बेटा ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं इनको जब हम ग्रहण करते हैं हमारे शरीर के अंदर, तो बोले पचने के बाद में रक्त में जाते हैं और रक्त से ये प्रत्येक कोशिका तक पहुँचते हैं, और वहाँ कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, उस माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनती है, ये हम कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बेटा यहाँ पर जो कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य है उसमें और जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर ये कार्बोहाइड्रेट जाते हैं और वहाँ विघटित हो जाते हैं, और विघटित कैसे होंगे, इनका ऑक्सीकरण होगा। तो बोले कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बोहाइड्रेट विघटित यानी ऑक्सीकृत होकर ATP के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न करते हैं, ATP के रूप में। तो ATP का फुल फॉर्म बेटा याद रखना एडिनोसिन, जनरल साइंस में बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP।
एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट अंत में हमारी कोशिकाओं के अंदर जाके एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो ये आगे पढ़ेंगे कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, कैसे होती है, वो हम जब श्वसन वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। अब बेटा चलते हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये हमें किस रूप में मिलते हैं, यानी हम भोजन में किस किस रूप में इनको खाते हैं। तो कई बार प्रश्न ऐसे भी आता है कि चार ऑप्शन दे देते हैं और उसमें ये पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। तो उसमें तीन तो कार्बोहाइड्रेट के नाम होंगे, एक कुछ अन्य नाम होगा। तो यहाँ पर देखो प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो बेटा एक तो है अनाज, यानी सारे अनाज, चाहे गेहूँ हो, चावल, मक्का, बाजरा, जो ये सारे के सारे क्या हैं, अनाज हैं। तो गेहूँ तो हम रोज़ाना खाते ही हैं, हालांकि 1950 से पहले इंडिया के अंदर गेहूँ नहीं था। तो भारतीय क्या खाते थे, बोले मक्का खाते थे या बाजरा खाते थे या जो खाते थे, ठीक है ना। तो अब कह सकते हैं जो गेहूँ है ये तो अंग्रेज लेके आए हैं, यानी 1950 से पहले नहीं था, बाद में ये लाया गया है। तो वर्तमान में हम गेहूँ ही खाते हैं। चावल ज़्यादातर जो आप कह सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं पूरे भारत में ज़्यादा जो खाया जाने वाला जो खाद्य पदार्थ है वो चावल ही है। मक्का और बाजरा हमारे बुजुर्ग खाते थे, बाजरा तो अभी भी खाया जाता है, पश्चिमी राजस्थान में जाएंगे आप खाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इसको छोड़ दिया है। आप अपने बूढ़े बुजुर्गों से पूछेंगे तो बोले सर्दियों के अंदर बाजरे की रोटी खाई जाती थी, तो बाजरे के अंदर कार्बोहाइड्रेट तो है ही, साथ में कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में होता है। तो बेटा इससे ये मतलब बहुत ही अच्छा स्रोत है कैल्शियम का, तो इससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं। लेकिन आप कह सकते हैं आजकल के बच्चों को तो ये पचेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो रेडीमेड खाने वाले हो गए ना। बोले क्या भूख लगेगी तो क्या खाएंगे, बोले समोसा चाहिए, बर्गर चाहिए, पिज्ज़ा चाहिए, मतलब ये सारे जो फालतू की चीज़ें जो कचरा है उस कचरे को खा के अपनी भूख मिटाते हैं। बाजरे की रोटी खाना तो सबके लिए पॉसिबल है ही नहीं। अब सबको पता है क्यों नहीं है, क्योंकि वर्कआउट करते नहीं हैं और साथ में ये जो आपके रुखसांस हैं सलाद वगैरह वो खाते नहीं हैं, और बाजरे की रोटी खा लेंगे तो दूसरे दिन परेशान होंगे, समझ गए होंगे आप सभी। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि बाजरे की रोटी को हर कोई नहीं पचा सकता, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे ही जो, तो बोले जो को तो गुरुजी कहाँ कहते हैं, जो से तो बोले एक पेय पदार्थ बनता है, हमने तो ये सुना है भाई, एक पीने वाला जो पदार्थ है जिसको आप कह सकते हैं सामाजिक औषधि कहते हैं उसको, वो बनती है। लेकिन जो भी बेटा गाँव में आप जाएंगे राजस्थान में, तो बोले गर्मियों के अंदर जो से एक विशेष प्रकार की राबड़ी बनाई जाती है, वो ऐसे कहते हैं शरीर में ठंड पैदा करती है, यानी कुल मिला के शरीर के अंदर गैस नहीं होने देती, हमारे आहार नाल को अच्छे से सफाई करती है। तो बेटा ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। ऐसे बेटा गन्ना, तो गन्ने का जूस तो आप पीते ही होंगे, कि गन्ने के अंदर बोले पीने के बाद बोले मीठा लगता है, तो वो मीठा किसकी वजह से है, बोले उसके अंदर सुक्रोज नाम का कार्बोहाइड्रेट है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो बोले गन्ना है, ऐसे ही चुकंदर है, इसी तरीके से शकरकंदी जो है वो भी, और आलू, ये भी सारे क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट ही हैं। इसी प्रकार बेटा शहद होता है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है, दूध में भी होता है, हालांकि दूध में तो सारी चीज़ें होती हैं, प्रोटीन भी होता है, वसा भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, लेकिन खनिज लवण भी होते हैं। तो बोले दूध तो अपने आप में एक तरीके से इसको इसलिए रखा है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, एक लैक्टोज नाम का कार्बोहाइड्रेट होता है। ऐसे बेटा जो शक्कर है, यानी जो चीनी है और जो गुड़ है, वो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट ही है। इनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि इनमें कौन से के अंदर चीनी में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होगा, गुड़ में कौन सा होगा, यानी रासायनिक दृष्टि से अलग अलग नाम होंगे जो हम कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में पढ़ेंगे। ऐसे ही बेटा जितने मीठे फल हैं, चाहे अंगूर कहो, चाहे चीकू कहो, संतरा कहो, आम कहो, और अन्य जो भी मीठे फल हैं, इन सारे मीठे फलों के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। हालांकि फलों में विटामिन, खनिज लवण भी होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। तो इस तरीके से ये जो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक विश्लेषण और कार्बोहाइड्रेट के बारे में जो प्रमुख जानकारी है, ये हर लाइन अपने आप में एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं इसको आपके लिए क्लब करके लेके आया हूँ। तो आप क्या करेंगे, जल्दी से चाहे इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है ये। और बेटा अब देखिए, ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो रीट के बच्चे हैं स्पेशली, मेरे जो क्लासरूम के स्टूडेंट हैं, यानी ऑफलाइन क्लासेस के स्टूडेंट हैं, उनकी डिमांड थी, क्योंकि ये कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगने से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे, और उसकी वजह से उनका सिलेबस पूरा नहीं हो पाया था। तो उन्होंने डिमांड की कि गुरुजी हमारा वो चैप्टर है वो जल्द पहले करवा दो, इसलिए मैं बीच में से टॉपिक पकड़ के लाया। अदरवाइज़ तो आप कह सकते हैं जो शुरू से जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग चलते, लेकिन फिर भी ये टॉपिक, इसका रिलेशन किसी अन्य टॉपिक से नहीं है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, रीट के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनरल साइंस के बच्चे, चाहे पटवार के हों, चाहे पुलिस के हों, चाहे एसएससी के हों, चाहे रेलवे के हों,
ठीक है ना, हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैं क्लब करके लेकर आया हूँ ये आपको बहुत काम आने वाली है। तो बेटा फटाफट से अब आप बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बेटा, ठीक है बेटा, थैंक यू।